स्पेशल डिस्कशन के लिए, एक बातचीत के लिए, डॉक्टर प्रदीप शर्मा, यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट, डॉक्टर गोपाल कृष्ण प्रभु, मणिपाल यूनिवर्सिटी, और डॉक्टर ओंकार बगरिया, विवेकानंद ग्लोबल यूनिवर्सिटी से। बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे साथ राजस्थान एनडीटीवी, राजस्थान एडू फेस्ट में शामिल हुए हैं। आपने बहुत हमारा सहयोग भी किया है। डॉक्टर प्रदीप कुमार शर्मा, मैं आपसे पहले शुरू करना चाहूँगी। जो यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट है, उसमें एक यूनिक तरह का प्लेसमेंट होता है, और वो ऐसे होता है कि जब तक लास्ट इंटरेस्टेड स्टूडेंट अपना कुछ रुचि दिखाता है, तब तक आप प्लेसमेंट जारी रखते हैं। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग है, और आपका ये इतना एक्सेलेंट प्लेसमेंट्स कैसे होते हैं आपकी यूनिवर्सिटी से? सबसे पहले मैं एनडीटीवी राजस्थान को धन्यवाद देना चाहूँगा कि ये एक प्लेटफॉर्म हमको दिया, एक आपस में हायर एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस को बात करने के लिए और ये समझने के लिए कि किस क्या ज़रूरत है आज के समय में यूनिवर्सिटीज़ की, और वो किस तरह से आपने आपको और स्टूडेंट्स को आगे बढ़ा पा रहे हैं। 2012 में जब यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग मैनेजमेंट जयपुर स्टार्ट हुआ था, इसका एक ही उद्देश्य था, जो इसके पेरेंट इंस्टीट्यूशन की एक ही लोगो था, गुड एजुकेशन गुड जॉब्स। हम लोगों का एक ही उद्देश्य रहता है, स्टूडेंट्स को वो सब प्रोवाइड करना जिसकी वजह से वो ग्रेजुएशन करने के बाद अपने पैरों पर खड़े हो सकें और कंपनीज में जहाँ पर वो काम कर रहे हैं वहाँ लंबे समय तक बने रह सकें। 2012 से ही हम सभी स्टूडेंट्स को ये ओपन एक ऑफर दे के चलते हैं कि आपका प्लेसमेंट तब तक जारी रहेगा जब तक आप सेटिस्फाई नहीं हैं। उसको जो स्किल सेट की रिक्वायरमेंट है, वो स्किल सेट हम प्रोवाइड करते हैं। वही स्किल सेट हम अपने यहाँ करिकुलम में चेंज करके या एक्सटर्नल एक्सपर्ट्स को बुला के स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करते हैं। पूरे सेशन में जब बच्चा पास आउट होता है, हम ये गारंटी लेते हैं कि बच्चा वहाँ काम करने के लिए बिल्कुल तैयार है, रेडी टू एम्प्लॉय और रेडी टू डिलीवर। अब मैं प्रोफेसर डॉक्टर गोपाल कृष्ण प्रभु से पूछना चाहूँगी। जब मणिपाल यूनिवर्सिटी जयपुर में आया था तो सब लोग बहुत खुश हुए थे, क्योंकि बहुत नाम बना रखा है मणिपाल ने साउथ में भी। आपका अनुभव कैसा रहा है जयपुर में, और यहाँ पे जो जयपुर राजस्थान में जो आपकी जो यूनिक, आपका बहुत सुंदर कैंपस है मैंने देखा है, आपका जो यूनिक एसोसिएशन रहा है राजस्थान में, उसके बारे में बताइए, और आपका आगे का प्लान क्या है फॉर राजस्थान? सभी को नमस्कार, एनडीटीवी को बधाई देना चाहता हूँ। मैं कर्नाटक से हूँ, 6 साल से जयपुर में रहता हूँ। थोड़ा हिंदी में बात करने का प्रयास भी करूँगा, सीखूँगा। शब्दों में, व्याकरण में थोड़ा गलती हो तो जरूर माफ़ करना। 6 साल से मैं मणिपाल यूनिवर्सिटी अभी 12 इयर्स का ऑपरेशन में है। एक इंजीनियरिंग प्रोग्राम से 300 स्टूडेंट्स 2011 में शुरू किया था हमने। अभी कैंपस में 16,500 स्टूडेंट्स है, 78 प्रोग्राम्स है। इधर आने के बाद मैडम आपका क्वेश्चंस, क्योंकि 28 इयर्स इन मणिपाल इन कर्नाटका एंड 6 इयर्स इन मणिपाल जयपुर, सो एज फार एज कल्चर द डिफरेंस इज कंसर्न, दे आर एंटायरली डिफरेंट। वंस ऑफ कोर्स अदर पैनलिस्ट यूएम से अबाउट द प्लेसमेंट इज ऑल्सो इज वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट, बट एक बात मैंने सोचा हियर, वेन यू प्रिपेयर दिस फॉर द प्लेसमेंट, बट द लार्जर क्राउड हियर आर इज अ डिफरेंट लेवल ऑफ पीपल नॉट इंटरेस्टेड इन द प्लेसमेंट। देर इज एन अनदर थिंग विच वी सॉ, राजस्थान का हवा में और शायद DNA में, it is not they are the job seekers, they are also a job creators, and this is a very distinct change madam, yes, that I have seen here. humne ye atal incubation center ko ek apply kiya, so isi se humko ek 10 crore rupees ka ek grant mila. we need to talk to the some of the entrepreneurs and those people that we need to invite to the campus and the people who have shown the interest in startups, so we need to train them.
आपको मैं बता दूं कि कर्नाटका में भी 25 लाख ऐसे बिजनेस पीपल हैं जो राजस्थान से गए हैं और बहुत सालों से वहां पर यू नो एंटरप्रेन्योरशिप कर रहे हैं। डॉक्टर ओंकार बगरिया, मेरा सवाल आपको है जो विवेकानंद ग्लोबल यूनिवर्सिटी से है। इन्होंने प्लेसमेंट्स की बात कही, इन्होंने एंटरप्रेन्योरशिप की बात कही, लेकिन मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी, जो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ में नहीं मिलता है, क्या मल्टीडिसिप्लिनरी कोर्सेज बहुत इंपॉर्टेंट है इस तरह के एनवायरनमेंट को फॉस्टर क्रिएट करने के लिए? नमस्कार, मैं सबसे पहले NDTV राजस्थान को बधाई देता हूँ कि उन्होंने इस पीक समय में जब सभी बच्चों और पेरेंट्स जो हैं वो एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के बारे में जानना चाह रहे हैं उस टाइम पे ये कॉन्क्लेव रखा। मैम, जो आपका सवाल है वो राष्ट्रीय शिक्षा नीति नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का एक बहुत ही अहम पहलू है, मल्टीडिसिप्लिनरी एजुकेशन। देखिए, हमारे यहाँ जितने भी टॉप इंस्टीट्यूशंस हैं या जिनकी आप बात करते हैं या आम जनता में भी होता है, वो IITs की बात करते हैं, IIMs की बात करते हैं। These all institutions are majorly engineering focused और management focused। जब हम multidisciplinary की बात करते हैं, और देश में अगर आप देखेंगे तो hardly 7 to 8 to 9% student ही इन्हीं दो field में जाता है, rest 90% जो है various other fields में अपनी शिक्षा को ग्रहण करता है। विवेकानंद ग्लोबल विश्वविद्यालय कम से कम 14 disciplines में आज के डेट में education दे रहा है, and जैसा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति में दिया गया है कि कोई भी बच्चा किसी भी दूसरी डिसिप्लिन के कोर्सेस कर सकता है, तो ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भी है कि हमें क्रॉस डिसिप्लिनरी, इंटर डिसिप्लिनरी और ट्रांस डिसिप्लिनरी कोर्सेस को लागू करना है। हमारे यहाँ एक इसको लागू करने के साथ ही हमने जो पिछले साल 2023 से शुरू किया है कि हर बच्चे को एक ट्रांस डिसिप्लिनरी प्रोजेक्ट करना है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका हमारे साथ बातचीत करने के लिए। हम ये सेशन अब यहाँ पर कंक्लूड करते हैं और मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि सुशांत अब आप आए स्टेज पर और अगले सेशन का आप संचालन करें। बहुत शुक्रिया हर्षा जी, और सेशन को आगे बढ़ाते हैं और एक दिलचस्प शख्सियत से बातचीत करेंगे। डॉक्टर अरविंदर सिंह मेडिप्रेनर ग्रुप के हैं और अर्थ ग्रुप के CMD CEO हैं। अपने आप में एक मोटिवेशनल जर्नी इनकी रही है, मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं और पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल डॉक्टर हैं। और इसके अलावा बड़ी बात ये कि मेडिकल के अलावा मैनेजमेंट हो, कानून हो, अगर बात करें डिजिटल मार्केटिंग की, तो 120 से ज़्यादा डिग्रियां इनके पास है। मैं इनवाइट करना चाहूँगा डॉक्टर अरविंदर सिंह को मंच पर आएं, जोरदार तालियां आप बजा दीजिए, क्योंकि निश्चित रूप से जब ये आपके साथ संवाद करेंगे तो आपको लगेगा कि आप जब यहाँ से लौटेंगे तो आपकी ज़िंदगी में कुछ बेहतर हुआ है, आप कुछ बेहतर महसूस करेंगे। डॉक्टर साहब, सबसे पहला सवाल तो यही है कि 120 से ज़्यादा डिग्रियाँ आपने ले ली, कहाँ रखते हैं इनको, क्या कोई टारगेट सेट कर रखा आपने? 120 डिग्री तो देखिए ले पाना पॉसिबल ही नहीं है। इट इज़ डिग्रीज, डिप्लोमास, सर्टिफिकेशंस। टारगेट है, यस, इट इज़ 123 टिल डेट, और अभी इसी रिकॉर्ड को ब्रेक करने जा रहे हैं 163 से। जो जर्नी रही है, आमतौर पे जीवन में छोटी मोटी परेशानियों से हम परेशान हो जाते हैं, जब आपको लगा कि जीवन का आगाज एक मुश्किल चुनौती के साथ हुआ है, कैसे गोल सेट किया, कैसे अचीव किया, हम जो जर्नी है उसके बारे में जानना चाहते हैं। जर्नी काफ़ी इंटरेस्टिंग रही। उसी जैसे मैं चल के आ रहा था तो शायद आपने महसूस करा कि मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, बट आई एम वेल एडजस्टेड टू दिस। मैंने देखा ऐसा, एक बार मैं एंटरप्रेन्योरशिप कॉन्क्लेव में गया हुआ था, तो उन्होंने मुझे बहुत हाई रेट करने की कोशिश करी कि डॉक्टर साहब यू गॉट सच अ फिजिकल चैलेंज, यू गॉट सच अ प्रॉब्लम विद यू एंड स्टिल यू अचीव्ड। तो मैंने उनको वहाँ पर यह कहने की कोशिश करी वापस कि हर एक व्यक्ति की अपनी सक्सेस की जर्नी है और हर एक के अपने चैलेंजेस थे। तो सिमिलरली आज अगर आप मेरी लाइफ को देखें तो द बेस्ट थिंग विच आई कुड डू इन माई लाइफ वॉज आई एम एबल टू एजुकेट माई सेल्फ, तभी तो आपके एजुफेस्ट में आया हूँ। तो ये मेरा चैलेंज था कि हाउ टू टेक एजुकेशन, और ये मेरी अपॉर्चुनिटी थी कि जिस स्कूल में मैं पढ़ता था, मेरे फादर उसी स्कूल के प्रिंसिपल थे, तो वो जो एक फिजिकल चैलेंज के हिसाब से एक जो जर्नी को फैसिलिटेट करना था वो कर पाए, जो कि बहुत सारे डिसेबल्ड
चाइल्ड्स को अवेलेबल नहीं है। तो आपके इस मंच के माध्यम से भी मैं कहना चाहूँगा, हार्डली 10% ऑफ द इंस्टीट्यूशंस आर डिसेबिलिटी फ्रेंडली। तो ये जो जर्नी थी मेरी, इसमें एक बार जब मैं बचपन में था तो मैंने एक हाथी को देखा और उस हाथी पर बैठे हुए एक महावत को देखा। तो दैट महावत वॉज ड्राइविंग दैट एलिफेंट एंड सम हाउ और अदर इट क्लिक्ड इन माई माइंड दैट इट इज द ब्रेन, इट इज द माइंड पावर विच ड्राइव्स द मोस्ट पावरफुल एनिमल इन टू दिस अर्थ। बिल्कुल। तो मेंटल पावर, योर इंटेलेक्चुअल पावर, योर एजुकेशन पावर कैन ट्रांसफॉर्म दिस वर्ल्ड, सो कॉन्सेंट्रेट ऑन योर इंटेलेक्चुअल थिंग्स। जो आज का यूथ है जल्दी परेशान हो जाता है, कई बार जब बाधाएं आती हैं रास्ते में तो फिर रास्ता बदल भी लेता है, तो ऐसी जब परेशानी आई तो कैसे डील किया आपने? स्ट्रगल इज द वे ऑफ लाइफ, आप कैसे उससे बच सकते हैं? जब मैं MBBS करता था तो 6 फ्रैक्चर्स आई सफर्ड इन दोज 5 ईयर्स, क्योंकि आप वार्ड में जा रहे हैं, स्टिक स्लिप कर गया। अभी जो एक बहुत बड़ा चैलेंज आया था कि मैं हिंदी मीडियम से था, तो अब हिंदी मीडियम 12th क्लास तक मेरे फादर ऑब्वियसली गवर्नमेंट स्कूल के प्रिंसिपल थे, तो जब मैंने 12th किया था अपना तो कोशिका प्रगंडिका और केंद्रक केंद्रिका रक्त धमनियों से प्रवाहित होता है ऐसा पढ़ के गया, और जब पहुंचा KGMC किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज विच इज द प्रीमियम इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस। अब आप सोचिए कि जो बच्चा 12th तक टॉपर रहा हो और वो MBBS फर्स्ट ईयर में पहुंचता है और वहां जाकर फेल हो जाता है, खाली इसलिए फेल हो जाता है क्योंकि उसको इंग्लिश नहीं आती। तो फिर मैंने 3 मंथ्स असाइड करे अपने और सिर्फ बैठ के इंग्लिश पढ़ी, सो दैट आई कैन कॉम्प्रिहेंड दैट इंग्लिश। बहुत सारे बच्चे इस चैलेंज को फेस करते होंगे व्हेन दे चेंज देयर मीडियम, सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू मस्ट बी एबल टू कार्व योर गोल्स फॉर द फ्यूचर। इफ यू हैव द पावर, इफ यू हैव दैट जज्बा टू ओवरकम, यू कैन डू दैट। मेडिकल सेक्टर में राजस्थान में कितनी संभावनाएं आप देख रहे हैं आने वाले दिनों में? दो ही इंडस्ट्रीज रिसेशन फ्री कही जाती है, एक मेडिकल और एक एजुकेशन। और अगर शास्त्रों की भी समझें तो ज्ञानियों ने शरीर को व्याधि कहा है, तो जब तक शरीर है तब तक रोग तो रहेंगे, और जब तक रोग रहेंगे तब तक हेल्थ केयर सेगमेंट रहेगा। बातचीत के लिए बहुत शुक्रिया, एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए डॉक्टर अरविंदर सिंह, बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद सर आपका, और जो आपने बताया निश्चित रूप से जो ऑडियंस हमारी है उनके जीवन में बदलाव आएगा। थैंक यू सो मच सर। आज के इस कार्यक्रम के आखिरी सत्र के लिए एक बार फिर से मैं मंच पर बुलाना चाहूँगा निर्मल पंवार साहब को, जो कि महात्मा ज्योतिराव फूले यूनिवर्सिटी के चेयरमैन हैं, अपने आप में बड़े शिक्षाविद हैं। पेड़ के नीचे पाठशाला से लेकर AI तक का जो दौर है, कितना तालमेल बिठा पाया है राजस्थान की अगर बात की जाए तो एजुकेशन सेक्टर, किस तरह के बदलाव जो आ रहे हैं, कितने बड़े चैलेंजेस हैं और तालमेल बिठाना कितना मुश्किल हो रहा है? सबसे पहले रीजनल NDTV को एजुफेस्ट के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूँ। शुक्रिया सर। जब किसी के पास कुछ भी खोने को नहीं होता तो फिर वो बड़ा करने की सोचता और बड़ा कर देता है। आपको बता दूं कि हम जब शुरुआत हुई, आपने क्योंकि सवाल किया, मैं कॉमन सवाल और उसी का जवाब देना चाहता हूं, लेकिन आपने सवाल किया तो हमने कहा कि हम ऐसी गर्ल्स एजुकेशन लाना चाहते हैं, क्योंकि जब मैंने गर्ल्स कॉलेज शुरू किया तो जयपुर में केवल 2 कॉलेज होते थे। जब तक 5 से 7 साल, 8 साल, 10 साल हुए तब तक MGRP कॉलेजेस के ही गर्ल्स यूनिवर्सिटी में फर्स्ट 20 में टॉपर्स होते थे और उनको 100% जॉब मिला। मैं समझता हूं कि टूवर्ड्स स्टूडेंट 100% डेडिकेशन हम देते हैं तो स्टूडेंट जरूर से आगे बढ़ेगा। पवार साहब, एक सवाल ये भी है, जो नई शिक्षा नीति है कितनी हेल्पफुल मानते हैं फ्यूचर को देखते हुए? आपको लगता है कि एजुकेशन सेक्टर सेटिस्फाइड है या कुछ बदलाव चाहते हैं, क्योंकि नई सरकार का गठन होने वाला है जल्द? NEP बहुत ही बेहतरीन एक पॉलिसी हमारे देश में आई, लेकिन
ये बहुत पहले से इस पर चर्चा थी। अब केंद्र सरकार ने ये सोचा कि एनईपी को बहुत ही सीरियसली लेना चाहिए। उसमें तीन चार कंपोनेंट बड़े इंपॉर्टेंट है। एक तो ये कि जैसे जिक्र हुआ था पहले कि एक बच्चा जो बीटेक कर रहा है वो या तो उसी यूनिवर्सिटी से या किसी और यूनिवर्सिटी से मास्टर्स मैनेजमेंट करे। नंबर टू ब्यूटी है कि ज़्यादा से ज़्यादा एम्फेसिस, मैं आपको बताऊं कि तीन इंपॉर्टेंट चीज़ों पर ज़्यादा होता है। एक तो स्किल जो चर्चा हुई अभी, डॉक्टर साहब भी बोल रहे थे, और नंबर टू आपका क्वालिफिकेशन, एजुकेशन जिसको बोलते हैं, और एक आपका प्रोफेशनलिज्म। तो इन तीनों के कॉम्बिनेशन पर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ने बहुत ध्यान दिया। वो बार बार ये कह रहे हैं कि स्किल ओरिएंटेड होना चाहिए, जो भी कोर्स चले, अडॉन चले, स्किल ओरिएंटेड होना चाहिए। मेरा तो ये कहना है कि जल्दी से जल्दी एनईपी लागू हो, एनईपी के कंप्लीट कंपोनेंट लागू हो, जिससे हमारे जो ये यूथ है, उसको ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट मिले, अच्छा मिले, रिस्पेक्ट मिले, वो डिप्रेशन में भी नहीं आए। इस महत्वपूर्ण बातचीत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका पवार साहब। और जैसा कि बता रहे थे कि राजस्थान में कोटा हो, सीकर हो, जयपुर हो, इस तरह के शहर जो अपनी पहचान बना चुके हैं एजुकेशन इंडस्ट्री के तौर पर, ऐसे और अधिक शहरों की ज़रूरत है। लेकिन दरकार इस बात की भी है कि सरकार और प्राइवेट एजुकेशन सेक्टर मिलकर काम करे, संवादहीनता की जो स्थिति है वो नहीं होनी चाहिए, और मिलकर जब आगे बढ़ेंगे और यूथ की प्रॉब्लम्स को एड्रेस करेंगे तो आने वाले दिनों में नए आयाम राजस्थान बना सकता है। बहुत शुक्रिया, बहुत थैंक यू सर बातचीत के लिए। धन्यवाद फिर से पुनः एनडीटीवी का, और आपका भी थैंक यू सो मच। थैंक यू।